इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। अक्सर आपने ये बात सुनी होगी कि उसने मुझे बहाने से फ़ोन किया, या स्कूल जाने के बहाने से उसने एक लड़के से मुलाकात की। जब हम इस तरह के जुमले बोलते हैं कि कोई भी काम किसी बहाने की वजह से हुआ, तो आप इसको कैसे बोलोगे? इसको बोलने के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, तो आप उस स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे तो इस तरह के सेंटेंसेस बना पाएंगे। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस अमूमन हम बहुत बोलते हैं। तो आज देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। अगर आपको किसी को कहना हो कि पार्क जाने के बहाने से हमने आइसक्रीम खाई, तो इसको हम इस तरह से बोलेंगे, ऑन द प्रटेक्स्ट ऑफ। ऑन द प्रटेक्स्ट ऑफ मीन्स बहाने से, यानी किसी भी काम को किसी बहाने से करेंगे तब आप कहेंगे ऑन द प्रटेक्स्ट ऑफ, और इसके बाद वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी, ऑन द प्रटेक्स्ट ऑफ प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ स्कूल जाने के बहाने से मैं जारा से मिली, तो मैं कहूँगी आई मेट जारा ऑन द प्रटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाने के बहाने से, ऑन द प्रटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू स्कूल आई मेट जारा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। पार्क जाने के बहाने से हम बारिश में नहाए, वी इंजॉयड इन द रेन ऑन द प्रटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू द पार्क। वी इंजॉयड इन द रेन, हमने बारिश में इंजॉय किया ऑन द प्रटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू द पार्क, पार्क जाने के बहाने से। गाड़ी ठीक करने के बहाने से वो ऑफिस नहीं आया, ही डिडेंट कम टू द ऑफिस ऑन द प्रटेक्स्ट ऑफ फिक्सिंग हिज कार। ही डिडेंट कम टू द ऑफिस, वो ऑफिस नहीं आया गाड़ी ठीक करने के बहाने से, ऑन द प्रटेक्स्ट ऑफ फिक्सिंग हिज कार। इम्तिहान की तैयारी करने के बहाने से वो दोस्तों से मिलने गई, शी वेंट टू विजिट हर फ्रेंड्स ऑन द प्रटेक्स्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। ऑन द प्रटेक्स्ट के बाद आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यूज करनी है। शी वेंट टू विजिट हर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों से मिलने गई ऑन द प्रटेक्स्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, एग्जाम्स की तैयारी करने के बहाने से। असाइनमेंट बनाने के बहाने से उसने अपने दोस्त को कॉल किया, ही कॉल्ड हिज फ्रेंड ऑन द प्रटेक्स्ट ऑफ मेकिंग द असाइनमेंट। एक सवाल है, अगर जैसे मैं कहूँ क्या सालगिरह पर बुलाने के बहाने से वो आपके घर आया था, अब ये सवाल है, तो इसे कैसे बनाएंगे? डिड ही कम टू योर हाउस, क्या वो आपके घर आया था? ऑन द प्रटेक्स्ट ऑफ इन्वाइटिंग यू टू हिज बर्थडे पार्टी, अपनी सालगिरह पर बुलाने के बहाने से। हमने डिड इसलिए यूज किया है क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है, सालगिरह पर बुलाने के बहाने से। क्या वो आपके घर आया था, डिड ही कम टू योर हाउस ऑन द प्रटेक्स्ट ऑफ इन्वाइटिंग यू टू हिज बर्थडे पार्टी। क्या उधार लेने के बहाने से उसने आपके अब्बू से बात की थी, डिड ही टॉक टू योर फादर, क्या उसने आपके अब्बू से बात की थी ऑन द प्रटेक्स्ट ऑफ बोरिंग मनी, उधार लेने के बहाने से। अब कुछ सेंटेंसेस आप बनाइए। पार्टी में जाने के बहाने से उसने मुझे कपड़े मांगे, मरीज की आयादत के बहाने से वो अस्पताल गया, घर बदलने के बहाने से उसने ऑफिस से छुट्टियां मांगी। तो कुछ सेंटेंसेस आप बनाइए और आप बताइए कि किस बहाने की वजह से आप कौन सा काम करते हैं या नहीं करते हैं। सेंटेंस बनाइए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।